प्यारे साथियों, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे प्यारे युवाओं, आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे दूसरे पे अपना प्रभाव डाल सकते हैं। प्रभाव का मतलब यह है कि कोई हमसे प्रेरणा ले, हम जैसे हैं वैसा बनने का कोई दूसरा यत्न करे। पहले हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं ये, फिर परिवार के ऊपर, फिर समाज के ऊपर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। यहां सिर्फ हम आपको बताएंगे कि विश्व के ऊपर पूरे युवाओं को कैसे प्रभाव डालना चाहिए। चीन के युवा तो प्रसिद्ध हैं ही कि उन्होंने अपना पूरा व्यापार सारे विश्व के अंदर फैला रखा है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जितने भी उपकरण हैं उनमें चाहे कपड़े भी आते हैं, हर चीज का व्यापार चाइना विश्व स्तर के ऊपर कर रहा है। किसके बल पर? युवाओं के बल पर। दूसरा देश जापान है। जापान के नौजवान भी अपने देश को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार भारत के लोग भी सभी विश्व के अंदर फैले हुए हैं। भारत के युवा अति मेहनती, अति उत्सुक, अति नवीन विचारों वाले और बहुत कुछ समझने, सोचने, विचारने वाले होते हैं। जो मेहनत वह कर सकते हैं, वह मेहनत अमेरिकावासी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की पूरी आबादी के अंदर सारे भारत के युवा छाए हुए हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत की अमिट छाप है। कई बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नौजवानों को ये सब कुछ सहन नहीं हुआ कि वह भारत के लोग उन पर शासन करें, इसलिए उन्होंने उन पर हमले किए, भारतीयों पर हमले किए, जिनका करना बहुत ही गलत धारणा के अनुरूप है। कोई भी मेहनत करता है तो अपने दम पर करता है, कोई भी कार्य देश के हित में करता है तो वह नैतिक कार्य है, चाहे किसी देश का नौजवान करता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को पूरे विश्व में कैसे प्रभावी करें, हमारे अंदर सूर्य जैसी चमक होनी चाहिए, जरूरी है। जैसे एक सूर्य पूरे अंधकार को नष्ट कर डालता है, एक सूर्य कितना प्रभावशाली है, कितनी पृथ्वियों को
रोशनी प्रदान कर रहा है। कितनी पृथ्वी में सुरक्षा का केंद्र बना हुआ है, दिन रात जिसके कारण हो रहे हैं। ऐसा सूर्य है जिसके ना होने पर दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ऐसा सूर्य जिसकी ना होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस प्रकार युवाओं को बनना जरूरी है। एक युवा जो इतना नेतृत्व करता है जिसके बिना दूसरा कोई भी संगठन उसके बगैर काम ना कर सकता हो, ऐसा प्रभावशाली बनाना अपने आप को बहुत जरूरी है। जिसके अंदर कई तरह के गुणों का मौजूद होना जरूरी है, जैसे मजबूत संकल्प वाला हो, जिसके अंदर संकल्प करने की शक्ति हो, जिसके अंदर संगठन करने की शक्ति हो, जिसके अंदर एक दूसरे को सहमत करने की शक्ति हो, जो अति कोमल हो और जो मोह ममता में कभी ना फंसे, जो कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, अहंकारी ना हो और जिसमें घमंड का नामो निशान ना हो, ऐसा त्यागवादी बनकर जैसे ईशो उपनिषद में के एक मंत्र में यह बताया है कि कैसे त्याग की भावना के साथ रहते हुए हम उस सर्वव्याप्त परमात्मा को प्राप्त करें। ईशा वास्तमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत् तेन ते तेन भुञ्जिथा मांग्रधा कस्य स्विदनम्। इस संसार में त्याग को अपनाते हुए अपना जीवन अपनाएं। इस संसार में सारे ऐश्वर्यों को त्याग पूर्वक भोगें, संयम पूर्वक भोगें, उस परमात्मा को जाने कि वह सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। कभी भी ये कल्पना ना करें कि वह हमसे दूर है, तो हमारे आसपास ही है, हमारी मदद कर रहा है। जैसे वह सबके लिए प्रभावशाली है, वैसे ही देश का हर नौजवान अपने देश के लिए प्रभावशाली हो। इति ओम शांति।